आज बताएं हमें क्या बोलना है इनको, आज ये कहने के लिए कि घबराई नहीं, घबराई नहीं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है। हम सब भी कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कोई घबराने की बात नहीं है। यही तूफान इतने से हो जाएंगे आपके साथ। वो कभी पता नहीं तकरीर, वो तकरीरों में था ना, वो जो कभी अपना आप ना देख सके वो लोगों का अक्स बन जाएंगे। अच्छा स्टेज पर खुद ही निकलता है ये सब कुछ, पता नहीं कहां से निकलता है। मुझे वैसे है सवाल, पता कहां से, मैं ट्रैवल करता हूं लेक्चर्स वगैरह के अंदर, मैं कहता हूं बैक टू बैक 5 इवेंट्स एक साथ निपटाते हैं। मैं आपसे वही बार बार सवाल करता हूं कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर उसका वही आप बताते हैं कि जब इंसान, अभी खुबैब खुबैब भी मेरे साथ है ना, शेख खुबैब भी, वो भी यही कह रहे हैं शेख, आपके लेक्चर से पहले तक हम आपको देख रहे होते हैं, कोई तैयारी नहीं होती, निकलता कर मैं ये दिल दिल में बहुत कुछ है। जो सबसे टफेस्ट क्राउड होती है वहाँ सबसे टफेस्ट क्राउड होता है यहाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टा स्पीकर होते हैं, उससे पहले आपकी स्पीड से पहले काफी लोग आते हैं, वहाँ पे कंटेंट जो निकलता है वो तो अल्लाह ही निकालता है, अल्लाह ही निकालता है, लेकिन पता नहीं कुछ से कोई बात कंटेंट वही आपकी बात दिल से निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर लगती है। आवाज में दर्द तेरे आएगा जब तू उस दर्द से गुजरेगा, जब वो काट काटेंगे लोग तो वो दर्द निकलेगा इंसान का, वो तासीर बनेगा उसे। तो हम आप फोकस इस पे करेंगे अदील भाई, तीन चीजें हैं जो इंसान के, लिख लें सब जिन्होंने लिखना। मैं प्राइवेट मेंटरशिप तो अब शायद नहीं, वो दौर अच्छे थे मुज़ैफा जब हम शागिर्दी आसान थी। अब कहां कहां जाऊं, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने जिले हैं और कितने गिले हैं, कहाँ कहाँ जाऊं मैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। उठाएं कलम कागज और लिखें, नफ्स की दुनियाओं के ऊपर 1400 साल हमारे उलमा ने काम किया। ठीक है, हम साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को मानते हैं, हम कोई साइंस के मुनकर थोड़ी हैं, मुशाहदे के मुनकर थोड़ी, लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर आप सल्लम ने आके टूटे हुओं को ही तो उठाया था। वो अल्फाज है ना, आप जो पहली वही के बाद आए ना, आप थोड़े से परेशान थे उस टाइम, कायनात का इमाम देखे परेशान बेचारे, बीवी भी हो तो खतीजा रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह आपने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह ला युखजीक अल्लाह हुआ बदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा मेरे हबीब, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब लोगों का वजन उठाते हैं अपने सरों पे, हैं आप लोगों को जुड़वाते हैं, सुलह कराते, कमजोर के हक में मुकदमा लड़ते हैं आप, जैसे आदमी को कैसे अल्लाह रुसवा कर सकते। तो आपके भी अल्फाज यही थे, घबराना नहीं है ऐ मेरे हबीब, और बीवी जब ये जुमले कहती है ना खामन, घबराना नहीं है, दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम दो झोंपड़े से भी आए थे और महल तक गए, फिर उसी झोंपड़े में चले जाएंगे, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा, क्या जुमले हैं ये निकल गए, कुछ ना भी हुआ तो क्या हुआ, आज सबको मैं कहता हूं क्या हुआ अगर नहीं भी हो सका, व्हाट्स द बिग डील, कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया, जब अपने मन में अपने साथ एक शांति और सुकून है, एंड व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स, जो क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, मुझे क्यों चाहिए लोगों की रिकग्निशन, जान दे, लेट इट गो, खुद के साथ जीना सीख, रब के साथ जीना सीख, दुनिया कदमों में आ जाएगी तेरे, मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे सजनों पाकिस्तानियों, और जो खुद से और अल्लाह से मिल जाते हैं दुनिया फिर जो है उनसे पास आती है ये सबक सीखने के लिए, तो बताएं इन बलाओं से कैसे मुंह दिया आपने, इनको कैसे लड़े आप इनसे, तीन चीजें होंगी। रील भाई का हक मार दिया मैंने बहुत ज्यादा, बहुत कैसी बात करती है, आज बोलने दें हमें यार, बोलने दें आप मुझे, नो होल्ड्स बार्ड टुडे फॉर द कंट्री, तीन चीजें हैं जिसकी वजह से वो कलेजा जो है ना, कलेजा वो कलेजा हिला हुआ,
नंबर एक फ्रस्ट्रेशन है, मुस्तकबिल का खौफ होगा और माजी का गम होगा। और मेरे रब की शान देखें, क्या कुरान दिया मेरे रब ने। अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मुझे खौफ भी नहीं होगा और हजन या हुज़न गम भी नहीं। खौफ और हजन को हमेशा अल्लाह कुरान में साथ लाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हुज़न माजी का था, वो जो सफ़े फाड़ दिए गए, वो कलम जो तोड़ दिए गए, वो दिल जो टूट गए, वो हाथ और साथ जो छूट गए, वो छुरे जो खोप दिए, वो तीर जो उन्होंने चला दिए, वो कमर जो छली कर दी, वक्त के उस बेरहम माशरे ने उस मासूम को पहचान नहीं सके, उन खामोशियों में वो दरिया ना देख सके, वो समंदर ना देख सके, वो दरिया उस समंदर की पहचान ना कर सका, वो तूफान जो समंदर के पेट में समा ना सका, वो आंसू जो आंख तक आ ना सका, वो आंख जो रुखसार तक बहा ना सकी, वो तन्हाइयां जो ये मजमे देख नहीं सके उसकी, महफिल में बैठा हुआ शेर भी, गीदड़ों के अंदर बैठ के बैठा हुआ एक शेर भी अपनी पहचान करा ना सका उस टाइम, वो जिन्हें लोग अभी तलाश ना कर सके, वो जो चाहता था ये दो मिनट जो कहते हैं ना, दस मिनट का तेरा तेरी बातों का सिर्फ तेरे दस मिनट का, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे दस मिनट भी तेरे दस साल पर भारी है, जो कहते हैं ना इसकी दस मिनट की मोटिवेशन है, ये ले शेख आतिफ का जुमला, मेरे दस मिनट भी तेरे दस साल पर भारी है, उनके एक इन दस मिनट के अंदर वो फलसफा जो तुझे दस साल में ना आ सका, उनके तू हमेशा से लोगों में फिट इन था, तूने जिंदगी कन्वीनियंस और कायरों वाली जी, तूने वो किया जो सब चाहते थे, रेवर से हट के चलने के अंदर जो बात है, तभी तो मर्दानगी पता चलती है एक शह सवार की, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी है, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी हो सकती है, और कभी कभी सबके साथ चलने में ही बहादुरी होती है, सब्जेक्टिव है, लेकिन पॉइंट ये है, वो जो रोक रहे थे, और वैसे ही कभी कभी इंसान को जो महसूस नहीं होता यार पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं फिट हो रहा, के ये ना फीलिंग, मैं भी फिट हो रहा कहीं पता नहीं, मैं ही शायद पागल हूं, मैं मुझे शायद हंसी नहीं आ रही आजकल, जो रब से दूर था मगर हिम्मत नहीं थी सच अपनाने की, हक अपनाने, झूठी कॉस्मेटिक लाइफ से बात, हिम्मत नहीं थी है? हिम्मत नहीं थी ये सब छोड़ने की, हिम्मत नहीं, वो अल्फाज जो कभी जुबान पर आ ना सके, वो अल्फाज जो कलाम ना बन सके, वो कलाम जो किताब और खिताब ना बन सका, वो किताब जो तारीर ना हो सकी कभी, और लोग अपने कलेजों में रख के चले गए दुनिया से अपना दर्द, वो औलादे जो बाप का कद ना समझ सकी, वो यार जो यार के होते हुए उस यारी का वजन ना समझ सके, वो दोस्त जो समझ ना सके, वो जो समझ ना सके दुनिया, जो समझ ना सके, रहता तुम में था, रहते तुम में थे मगर तुम में नहीं थे, मैं उनसे कहता हूं दर्दों तकलीफ, वो मारते हुए रहम नहीं आया अगलों को, रहम नहीं आया अगले को, अल्लाह रहम नहीं आया अगले को, ये तोड़ते हुए रहम नहीं आया, तोड़ते हुए रहम नहीं आया, वो जो फतवे लगा गए उन सब, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, ये तो विरासत है बादशाहों की, ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की, ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता ही, गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है, ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती, घबराना नहीं है, हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, नहीं लगी अगर, नहीं लगे आज हमारे दर्श को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ, 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं, 16 साल कहां थी गांव में,
आई वॉजेंट इवन डिस्कवर्ड। अरे चला भी जाएगा तो क्या है, ये सही होना चाहिए।